अगर ये आप जो फरमा रही है ना, कभी किसी सास का बहू से झगड़ा ना हो, अगर ये पॉसिबल हो या ये हम कर सकते हो, तो ये सारे जो मुकदमात हम अदालतों में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, बाप का नाम मैं नहीं लाकर जान देना जिसकी बीवी होती, मैं अगर बच्चे नहीं रहने देना, मैं खर्चा नहीं देना, मैं नान नफका नहीं देना, आपको पता है 60% मुकदमात खून के रिश्तों के दरमियान है। 5 मरले का झगड़ा, 10 मरले का झगड़ा। Why are we not applying those values? Why are the courts full of disputes? Because people don't adopt those values. And so you have to ask yourself, एक पुत्र बैठो बेटी, क्लीशे कहना बड़ा आसान होता है, इंसानियत से हमदर्दी करनी चाहिए फ्रेज हो गई। और यार पता थे तब लगे कि आपके पास 100 रुपया होते हुए 50 में देते नहीं, बेहतर मन पता लग गया ना, कहना तो बड़ा ही आसान है कि बाबर तो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्यों नहीं करते हम? मुझे सिर्फ अब बुढ़ापे में, मैं उस आखिरी उम्र हूँ, मैं सोचता हूँ क्यों नहीं करते हम ये। इस पर आप गौर करेंगे तो मैं अगली बात पे पहुँचूँ। भाईजान इजाजत, तुम सब तो मौत पर लग रहे हो, और ताटी शक्ल तो एक कामयाब वकील नजर आ रहे हो। राइट, लेट मी गो टू द लास्ट पार्ट। अब मैं फिर आना है, एक सेक्स सप्लीमेंट्री गुफ्तगू करनी है अगली दफा आके, बिकॉज मेरे जो उस्ताद है उन्होंने आपसे दूसरी बात करनी है आफ्टर द ब्रेक, जाना ना। कंडक्ट नाउ, ये तय है कि हम 3 एक्टिविटीज सिर्फ जिंदगी में करते, सांस लेने को भूल जाएं, कुत्ता भी लेंदा है, बाथरूम जाने को भूल जाएं, वो भी करता है, वो जो बॉडीली फंक्शंस हैं वो सारी एनिमल्स करते हैं। फॉर द मोमेंट फॉरगेट दोज बॉडीली फंक्शन, मैं कि आँख में आँख मार, ये बंद कर देगा, ये रिफ्लेक्ट, कुत्ते ने करो ही बंद कर देगा, ठीक है, वो नहीं करें, उस पर नहीं आए, तय हो गया ना। जिससे आप अशरफुल मखलूक की आपने तुम छल्ला अपने साथ लगा, और मैं कहा मैं अशरफुल मखलूक का ध्यान, मैं तेरा मजाजी खुदा सिद्धि हो जा, तेरे पता नहीं मैं कौन। उन्हें कहा झूठा दंत साफ नहीं करके आता बड़ा अशरफुल मखलूक। नहीं मुझे नहीं पता, तीन काम करते हैं जान जी अभी सारे, सोचते बोलते चौथा काम लीजिएगा। जो मिस्टिकल होते हैं, सूफी होते हैं, वो चौथा काम है, उनको मिस्टिकल थॉट्स भी आते हैं। हमारी थॉट प्रोसेस लिमिटेड है, और हम जिंदगी में सीखते कैसे हैं, ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रक्शन एंड इमिटेशन। अजी बांदर, व्हाट इज फैशन, क्या होता है फैशन, इमिटेशन। उन्हें पहने हैं मम्मी पाना, मनीजा ने पाया मम्मी पाना, द होल फैशन इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन इमिटेशन। आपको पता है अमेरिका में एक एक्टर था 40s में, उसका नाम था क्लार्क गेबल, गॉन विद द विंड में उनकी बहुत मशहूर फिल्म है। तो एक फिल्म आई था टॉल मैन, उसमें मैं हेनरी फोंडा था, ये था, तो एक सीन में वेस्टर्न फिल्म थी, तो उसने अपनी कमीज उतारी तो उसने बनियान नहीं पहनी हुई थी। 40% अमेरिकन मर्दों ने बनियान पहननी छोड़ दी। ये होता है ताकत इमिटेशन की। क्यों आप समझते हैं कि शाहरुख खान को एडवर्टाइजमेंट में लाया जाता है, हाँ आई वॉन्ट टू ड्राइव दिस कार, इमिटेशन। Man is one of the greatest imitators. जब दिलीप कुमार 50s में, आप तो बेचारे बूढ़े हो गए, जब वो आके मुंह में लेके तो बाल ऐसे करके रखते थे, लोग जानते सन दिलीप कुमार कट करान। We copy people and we all do. जब मैं जफर साहब के साथ काम कर